हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं विटारा ब्रेजा की, जो 2022 में लॉन्च होगी नई वाली। अगर इसके लुक्स देखें, पुरानी से कंपेयर करें तो ये काफ़ी अच्छी होगी। शार्प लुक आ रही है इसकी। पहले तो काफ़ी आउटडेटेड सी लगने लग गई थी। अब इसकी कुछ पिक्चर्स भी लीक हुई हैं, जिसमें इससे पता चलता है कि इसमें सनरूफ आएगा, इंफोटेनमेंट है वो बड़ा कर दिया जाएगा, MID चेंज है। ये पुरानी वाली है जो काफ़ी आउटडेटेड लगने लग गई थी, नई वाली से कंपेयर करें तो। अब इसमें जो नई बलेनो आ रही है, वैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आएगा, डिस्प्ले भी कुछ वैसी आएगी। पहले डिस्प्ले काफ़ी छोटी आती थी, अब तो 9 या 10 इंच की कर देंगे। पहले 7 इंच की थी, जो काफ़ी बेकार सी लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। और अगर इसकी हेडलाइट या टेल लाइट की बात करें तो वो भी काफ़ी शार्प आएंगी। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है पिछली वाली के मुकाबले। इसका स्टेयरिंग की बात करें तो ये अब स्विफ्ट वाला आएगा, डी कट। इसमें क्रूज़ कंट्रोल, एक तरफ स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आएंगे। इसमें हो सकता है तो शायद सनरूफ भी आ जाए, अभी कंफर्मेशन तो है नहीं। अगर आगे से बात करें तो इसमें 2 प्रोजेक्टर आएंगे, एक साइड 2 लो बीम के लिए, 2 हाई बीम के लिए। ज़्यादा डिज़ाइन तो चेंज नहीं है, बस हल्के फुल्के लाइटों में चेंज है। पीछे से इसकी लाइट या तो रेंज रोवर इवोक जैसी लग रही हैं, थोड़ी शार्प कर दी हैं। और इसके अलॉय व्हील भी चेंज हैं, वैसे देखने में सही लग रही है गाड़ी पिछली वाली के मुकाबले। अब देखा जाए मारुति इसको कब तक लॉन्च कर पाएगा मार्केट में। थैंक यू। अगर चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद।